एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को घर में नजरबंद रखने के आदेश को वापस लेने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। एनआईए की इस अर्जी को ठुकराकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नवलखा को 24 घंटे के भीतर जेल से शिफ्ट करके घर में नजरबंद किया जाए। एनआईए ने अपनी अर्जी में कहा था कि नवलखा के माओवादियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संबंध है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर के अपने उस आदेश को वापस ले जिसमें नवलखा को मुंबई की तालोजा जेल से शिफ्ट करके घर में नजरबंद करने को कहा गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए पर कमेंट करते हुए कहा कि आप कुछ खामियां निकालकर हमारे आदेश को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे। यदि एक 70 साल के बीमार आदमी पर पूरा पुलिस तंत्र नजर नहीं रख सकता तो फिर ये आपकी कमजोरी है। करीब आधे घंटे की सुनवाई में तीखी बहस देखी गई। आपको बता दें कि गौतम नवलखा एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में जेल में बंद है। न्यायमूर्ति KM जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने आदेश दिया है कि गौतम नवलखा को घर पर नजरबंदी के तहत जहां रखा जाएगा वहां अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।